हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मज़े से खैरियत से होंगे। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले, आज वैसे हम बना रहे हैं जी पेशावरी खीर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो 2 कप जो चावल थे वो मैंने भिगो दिए थे, जो 4 से 6 घंटे जो है ना भीगे रहे हैं। वैसे मैंने ओवरनाइट रखे थे, आप लोगों ने कि खीर पकाने तो 4 घंटे ज़रूर इसको करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ना चावल जब कच्चा कच्चा हो जाता है तो वो जल्दी से जो है ना पक जाता है। तो इस ये हमने ब्लेंडर में डाल लेना है और 4 से 5 अदद जो है वो आपने रस लेने हैं, और 1 कप जो दूध है उसके साथ आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करके बड़ी अच्छी सी स्मूथ सी खूबसूरत सी पेस्ट बना लेनी है। पेस्ट बना के हम एक साइड पर रख देंगे और उसके बाद हम 1 लीटर दूध लेंगे। ये जी हमने जग में डाल के इसको अच्छे से जो है ना घुमा घुमा के ब्लेंड कर लिया। अब इसके बाद जो है हम 1 लीटर दूध लेंगे और मैं फुल क्रीम यानी कि जिसे कहते हैं ना फुल फैट मिल्क वो ले रही हूँ, यानी कि जिसे कहते हैं जी गाढ़ा दूध, खालिस दूध। तो वो दूध मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई पानी नहीं है इसमें। तो इसको जो है हमने 1 लीटर दूध को पहले थोड़ा सा बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद फिर जो हमने मिक्सचर तैयार किया ना वो डालेंगे। तो अभी हम इसको थोड़ा सा बॉयल करते हैं। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा सा बॉयल हो गया, गर्म हो गया। अब हम इसमें जो हमने मिक्सचर चावलों का और रस का किया था, तो इसको एज अ क्विक खीर भी कहते हैं कि जल्दी से अगर आपने खीर बनानी हो। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, दरख्वास्त है जी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी अगली वीडियो पता चलेगी। तो ये हम अच्छे से जो मिक्स करेंगे, तो मैंने एक्चुअली ये जो था गाढ़ा दूध था, तो इस वजह से क्योंकि चावलों का जो है ना वो गलना भी बहुत ज़रूरी होता है, खीर का जो मज़ा है ना वो चावल के गलेपन से ही आता है। तो मैंने इसमें तकरीबन कोई 1.5 कप दूध पानी डाल के तो इसको जो है ना थोड़ा पका लिया था, ताकि चावल जो है वो बड़े मज़े से पक जाए, क्योंकि चावल का दाना अगर मुंह में आए ना कच्चा कच्चा तो खीर का मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से इसको पका लिया था मैंने, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पकाती रही हूँ। और इसी तरह ये खीर जो है वो गाढ़े उस पर आ रही है, थोड़ी सी थिक हो रही है। तो जैसे जैसे ये थिक होगी तो खीर का जो है ना पकना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये है कि जो चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है। अब दूसरी तरफ जो है हम थोड़ा सा जो है ना थोड़ा जो पेशावरी टच है वो देते हैं, यानी कि हम शुगर को जो है ना वो कैरमलाइज करना है। तो 1/2 कप शुगर जो है वो थोड़े से पानी के अंदर आपने अच्छे से जो है उसको पकाना है, यानी बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो इसको कैरमलाइज यानी कि कैरमल बना, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमने प्रॉपरली जब डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर हम इसको डायरेक्टली खीर में डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो देखें क्या खूबसूरत सा कलर आ रहा है उसका, तो मैडमों और बच्चों और सर जो भी देख रहे हैं मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आई होप कि शायद आपको मेरी वीडियो अच्छी लग जाए, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप देख सकें। तो ये हमारा अच्छा सा जो है ना कैरमलाइज हो गया, तो अब हम इसको खीर में डाल के ज़रा मिक्स करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो पकते हुए में ही आप पिस्ते बादाम डाल सकते हैं, जिन लोगों को किसी क्योंकि बच्चे को कई जो हैं वो कहती हैं जी बादाम आ रहे हैं हम नहीं खाएँगे, तो इस वजह से मैंने नहीं डाले, हम ऊपर ज़रूर गार्निश करेंगे। तो ये जो है इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, 2-4 मिनट के लिए पकाना है इसको, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी अब थिक होने पे आ रही है और इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा ज़रा टेस्ट आता है ना, मज़ा आता है। तो इलायची पाउडर आपने इलायचियों को पकड़ने हैं और दरबर दरबर काट लेने हैं, और 1/2 कप चीनी भी हमने साथ ही डाल दी। अब चीनी का पानी खुश्क होते तक ये पकेगी, उसके बाद ये थिक होगी, और थिक होने का जब ये बबल्स बनाती है ना तो इसका मतलब ये पकने की उस पर आ रही है। तो देखें जी क्या मज़ेदार सा कलर आ रहा है, क्या खूबसूरत सी हमारी खीर तैयार हो गई है। अब गर्मा गर्म जो है हम इसे डिश आउट करेंगे, ठीक है जी, और फिर ऊपर से हम इस पे गार्निश करेंगे पिस्ते बादाम। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं, और इसको ठंडा करके आप इसको करें। तो मेरे बच्चों को तो ये बड़ी पसंद आई थी, आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए। ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।